हेलो फ्रेंड, मेटावर्स के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन होने वाले हैं। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी, और साथ में डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल रियलिटी किस तरह से काम करता है और इसके एप्लीकेशन के बारे में। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, कि दोनों रियलिटी के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी को या फिर इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में अगर हम बात करें कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है कि रियल वर्ल्ड को, जो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है उसको क्या करती है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, सच एज इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, 3D मॉडल्स हो सकते हैं इन रियल टाइम में। मतलब कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, एक रियल दुनिया में वर्चुअल चीजों को फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं कि आप बैठे हैं, और क्या करते हैं जब आप AR हेडसेट्स पहनते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको जो भी आपकी रियल वर्ल्ड, मतलब कि जो आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो क्या होता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और आप उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इस इमेज में देखते हैं या फिर आप बहुत सारी मूवियों में देखे होंगे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, उसमें क्या होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या होता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, मतलब इसी तरह से डिजिटल काम किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है कि एक तरह का ब्लर लाइन देता है बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड। दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड जिसको मेटावर्स के नाम से भी हम जानते हैं, यानी वर्चुअल वर्ल्ड होता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है कि जिसके अंदर हम क्या करें, पूरी तरह से चले जाती है, सारी चीजें वर्चुअल होती है, रियल कुछ नहीं होता। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में ही हमें वर्चुअल चीजें देखने को मिलती है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं, ये क्या है, किसी डिवाइस के थ्रू नहीं शो होता है, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही शो होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी की, कितने तरह के होते हैं। तो मार्केट बेस्ड AR होता है, मार्केट लेस AR होता है, और प्रोजेक्शन बेस्ड होता है, और सुप्रीम पोजीशन बेस्ड AR होता है। तो इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केट बेस्ड AR क्या होता है। मार्केट बेस्ड AR का मतलब कि जहां पे यूजर प्री डिफाइंड मार्केट लाइक QR कोड्स ट्रिगर हो, मतलब कि जहां पे डिजिटल कंटेंट रखे हो, ठीक है, पहले से डिजिटल कंटेंट रखा हो, वहां पे डिवाइस क्या करता है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। लेकिन मार्केटलेस AR के अंदर क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होता, मतलब डिजिटल मार्केट होता ही नहीं है। वहां पे क्या करता है कि जो भी सेंसर होते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के, वो क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कह रहा है कि देखो डिजिटल कंटेंट विदाउट द नीड ऑफ मार्केट्स, बिना मार्केट्स के नीड के जो भी कंटेंट होता है उनके फीचर्स को वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को ट्रैक करता है और अपने फीचर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है मार्केटलेस AR। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन बेस्ड AR। प्रोजेक्शन बेस्ड AR के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली ऑन वो क्या आ जाती है, फिजिकल सर्फेस पे आ जाती है। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे क्या है कि मान लिया हमने प्रोजेक्शन बेस है, प्रोजेक्शन की अब जो भी प्रोजेक्ट है वो क्या करता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके ऊपर टच करके इनको परफॉर्म कर सकते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया प्रोजेक्शन बेस्ड AR। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम पोजीशन बेस्ड AR। सुप्रीम पोजीशन बेस्ड AR का मतलब क्या होता है कि जहां पे सुप्रीम पोज डिजिटल कंटेंट होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और ऑगमेंटेड रियलिटी कैप्चर ये क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जितने भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है डिजिटल कंटेंट से। मतलब अगर हम बात करें आपके पास कंप्यूटर है, टेबल है और सारी चीजें हैं, तो क्या करेगा उन सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू डिजिटल कंटेंट के अंदर, जिसके ऊपर आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं या कह सकते हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी काम करता है। तो अगर हम बात करें कि ऑगमेंटेड रियलिटी किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले बात आती है डिवाइस इंटीग्रेशन की।
डिवाइस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो AR सेट होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, एक्सपीरियंस करता है थ्रू लाइक डिवाइस जो होती है, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, AR ग्लासेस हो गया, इनके थ्रू क्या करते हैं, जो भी इनपे डिस्प्ले होती है उनसे क्या करता है कि जो भी रियल वर्ल्ड होता है, ठीक है, मतलब रियल फिजिकल वर्ल्ड जो होता है उनको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि इन डिवाइस के अंदर कैमरा और सेंसर लगे होते हैं जो क्या करते हैं कि यूजर्स के सराउंडिंग जितनी भी चीजें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अगर एक कमरा है, ठीक है, ये एक रूम है, अब रूम के अंदर जो भी चीजें होंगी तो हम क्या करेंगे, AR सेट्स का यूज करेंगे, AR या सेट्स ग्लासेस या लाइक फोन का हम यूज करेंगे, टैबलेट का, तो ये क्या करेगा, इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने का मतलब कि अंडरस्टैंड करेगा कि यूजर्स के सराउंडिंग चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद क्या करता है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। रियल टाइम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होती है कि जो AR एप्लीकेशन होता है, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन होता है, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है इन सारी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रियल वर्ल्ड से रियल टाइम। जो भी रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उनको क्या करता है, रियल टाइम में परफॉर्म करता है, और इनको सबसे पहले इंक्लूडिंग जिसके अंदर क्या क्या वो रिकॉग्नाइज किया है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है इन्वायरमेंट के अंदर, और ट्रैक करता है यूजर्स के मूवमेंट को कि यूजर्स क्या क्या मूवमेंट कर रहा है। ये सारी चीजें प्रोसेसिंग रियल टाइम के अंदर होती है। उसके बाद आता है डिजिटल ओवरले। डिजिटल ओवरले के अंदर मतलब क्या होता है कि जो भी रियल इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा डिजिटल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट से। यानी कह रहा है कि वंस ऐप अंडरस्टैंड, जब ऐप एक बार समझ जाता है सारी चीजों, तो रियल वर्ल्ड के जो भी कॉन्टेक्स्ट है इट्स ऐड कर देता है डिजिटल ओवरले का। मतलब जो भी हमारा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है इसके ऊपर क्या कर देता है, ओवरले कर देता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को, जहां यूजर्स क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है और एनहेंस कर सकता है, ठीक है, सारी चीजों को जो भी उसके चारों तरफ है उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस हो कर सकता है। अब बात आती है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशन क्या क्या होने वाले। एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज गेमिंग पर्पस में किया जाता है। तो अगर हम बात करें कुछ पॉपुलर गेम, जैसे यहाँ पे पोकेमॉन गो है, इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर गेम, तो इसका यूज करके क्या हम करते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके इसको प्ले कर सकते हैं। AR गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंटरफेस माना जाता है, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट इन द रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव गेम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा गेम हम खेल सकते हैं जिसपे हमें लगेगा कि हम गेम के अंदर खुद को प्ले कर रहे हैं। उसके बाद नेविगेशन में हेल्प करता है। नेविगेशन मतलब कि AR नेविगेशन ऐप प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, पॉइंट, इंटरेस्ट एंड द इवन, बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली क्या करता है कि यूजर्स के स्क्रीन पे लेके आता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में, तो एजुकेशन को भी AR क्या करता है, एनहेंस करता है लर्निंग के लिए। इंटरेक्टिव 3D मॉडल से, एनिमेशन के हेल्प से हम बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। आज के डेट में आपने देखा होगा YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम, घर के डायग्राम को हो गया या फिर किसी भी चीज को, वो क्या करते हैं 3D मॉडल या एनिमेशन के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करता है कि एक तरह का ऑगमेंटेड रियलिटी का हेल्प ही पार्ट हो गया। उसके बाद रिटेल की बात कर ले, तो रिटेल के अंदर क्या होता है कि जैसे आज के डेट में क्या है कि बिजनेस के पर्पस से भी ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, क्लॉथिंग, कपड़े हो गए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यूजर्स क्या करें कि ऑगमेंटेड रियलिटी से उस चीज को अपने घर में जगह जगह रख के देख सकता है। सपोज दैट अगर हम फर्नीचर की बात करें तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की यूज से हम क्या कर सकते हैं, उस फर्नीचर को अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रख के चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे होगा तो कैसा लगेगा और इस पॉइंट पे होगा तो कैसा लगेगा। इन सारी चीजों मतलब घर को डेकोरेट करने के लिए या कह सकते हैं कि और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करते हैं रिटेल, मतलब कोई भी सामान परचेस करने से पहले, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे देखो कि बिफोर मेकिंग ए परचेस करने से पहले हम इन सारी चीजों करते हैं। अब हेल्थ केयर के अंदर भी ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करते हैं, जैसे मेडिकल ट्रेनिंग की बात करें, जैसे सर्जरी हो गई, इन सारी चीजों को AR क्या करता है, असिस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग वर्चुअल ओवरले, वहां पे प्रोवाइड करने का काम करता है, जहां से हम डिसीजन मेकिंग और सारी चीजें, काम कैसे हो रहा है, सारी चीजें अच्छे से समझ पाए। अब बात आती है हमारी वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है एक कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है, मतलब एक ऐसा वर्चुअल दुनिया होती है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड की गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके अंदर इमर्शन एक्सपीरियंस मिलता है,
ठीक है, मतलब कि हम पूरी तरह से सारी चीजों अपने आप को उसके अंदर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम हेडसेट्स को पहन लेते हैं, वीआर हेडसेट्स को, तो हम अनुभव करेंगे कि हम अपनी दुनिया में हैं। हम ऐसा एहसास करेंगे हम कहाँ हैं कि एक वर्चुअल दुनिया में है जो कि कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड है। अब वहां पे सारी ये क्या कर देता है, कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है जो भी एनहेंस रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें, उन सारी चीजों को रिप्लेस कर देता है। सपोज दैट अगर हम बात करें गेमिंग का इंटरफेस है, यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है कि हेडसेट्स का यूज करके गेम कर रहा है। अब गेम के अंदर जो टास्क परफॉर्म करने वाला बंदा है वो ये बंदा है, ठीक है, लेकिन ये अभी फील कर रहा है कि मैं इस प्लेस पे हूं और यहाँ पे सारे टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं मैं खुद कर रहा हूं। अगर रियल लाइफ की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक आप लोग बीजीएमआई को प्ले कर रहे हैं, तो बीजीएमआई के अंदर जो भी आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर जो फायर कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, कार राइड कर रहा है, तो ये सारे ऑपरेशन एक तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप अभी क्या है कि अगर इस चीज को हेडसेट पहन के खेलेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से उस गेम के अंदर है, लेकिन अभी क्या होता है कि आपका बस ध्यान गेम के अंदर होता है और आप अपने रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन उसके हेडसेट्स पहनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं कि मैं, आप खुद पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके दो तीन तरह के टाइप्स होते हैं, नॉन इमर्सिव वीआर होता है, एक इमर्सिव वीआर होता है और 360 डिग्री वीआर होता है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो नॉन इमर्सिव वीआर होता है वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है एक बेसिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन, मतलब एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है एक कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट हेडसेट। जस्ट लाइक आप बीसीएमआई की बात कर ले कि आप बिना हेडसेट्स को पहने आप क्या करते हैं कि बेसिक इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब इमर्सन, मतलब बहुत कम चीजों को आप फील कर रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं। नॉन इमर्सिव का मतलब हो गया कि बहुत गहराई में आप नहीं जा रहे हैं, या इसके मतलब ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं कर रहे हैं, आप बस थोड़ा सा उसका थोड़ा सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन बेसिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन वहां पे हो रहा है जो भी कि कंप्यूटर स्क्रीन या विदाउट हेडसेट्स के जरिए, ठीक है। अब बात कर रहा है कि ऑफर करता मोर लिमिटेड सेंस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, जहां पे आपका क्या होता है कि कम से कम सेंसेस प्रेजेंट होता है और ज्यादातर ज्यादा क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। अब इमर्सिव वीआर क्या करता है, इमर्सिव वीआर के अंदर क्या होता है कि आप पूरी तरह से जब हेडसेट्स को पहनेंगे तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, फुली इमर्सिव वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। फिर क्या करेगा, यूजर फील कर सकता है लाइक आर फिजिकली प्रेजेंस कि इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर वो फिजिकली प्रेजेंट है, इस सारी चीजों को वो क्या करेगा फील कर पाएगा कि वो पूरी तरह से वहां पे प्रेजेंट है, इस रियल वर्ल्ड से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 360 डिग्री वीआर। 360 वीआर का मतलब बात करें तो 360 डिग्री वीआर की वर्चुअल रियलिटी। तो आज के डेट में आपने देखा होगा कि जो भी फोटो फोन, नए नए फोन आ रहे हैं, नए नए फोन में फोटो खींचने का जो प्रोसेस आ गया 360 डिग्री का गया। उसके बाद आजकल जो भी शादियों में कैसेट्स या फिर मतलब वीडियोग्राफी हो रही है वो भी क्या हो रहा है कि 360 डिग्री बन रही है, ठीक है, ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी वीडियो और इमेज बनाए जा रहे हैं वो क्या करें कि आप जब वीआर सेट्स को पहन के देखें इन सारी चीजों को, तो आपको लगे कि आप उस जगह पे खुद प्रेजेंट थे। अगर बात करें जैसे वेडिंग फोटोग्राफी की, तो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो 360 बनाए जा रहे हैं। 360 बनाने का मतलब है कि अगर किसी से क्या होती है कि वेडिंग मिस हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है 360 वीआर को पहन के उस शादी का पूरा एंजॉयमेंट ले सकता है, ठीक है, कि ताकि वो वहां पे एट ए टाइम पे मतलब फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं था, लेकिन वो डिजिटली एनवायरमेंट में क्या करेगा, अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट पाएगा, ठीक है। तो पूरी तरह से इमर्सिव एनवायरमेंट हो जाएगा जहां भी यूजर क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है मूविंग बाय द हैंड्स एंड बॉडी, हेड्स एंड बॉडी। तो मतलब आप जिस तरह से मूवमेंट करेंगे, जहां पे मूवमेंट करेंगे आप उस तरह के वहां के सारी चीजों को देख सकते हैं, मतलब आप अपने आपके मूवमेंट से भी क्या करेंगे वहां पे सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ये वर्चुअल रियलिटी होती है। उसके बाद अब बात कर ले कि वर्चुअल रियलिटी वर्क कैसे करता है। तो वर्चुअल रियलिटी तीन पार्ट में वर्क करता है। सबसे पहले हम बात कर ले हेडसेट्स एक्सपीरियंस की, उसके बाद इमर्सिव ऑडियो होता है, मोशन कंट्रोलर होता है। तो सबसे पहले हेडसेट एक्सपीरियंस की बात करें तो यूजर वियर करता है जब वो पहनता है हेडसेट्स को, तो वहां पे कंटेंट करता है स्क्रीन को जो कि उसकी आंखों से होती है, ठीक है, ईच आईज। उसके बाद कह रहा है कि दीज स्क्रीन डिस्प्ले द कुछ इमेज करेगी, 3D इफेक्ट्स करेगी, सेंसर ट्रैक करेगा मूवमेंट्स,
ठीक है, हेड के मूवमेंट्स को ट्रैक करने का काम करता है, लाइफ लाइफ लाइक एक्सपीरियंस कि आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि 3D इमेज है, तो आप जिस तरह से अपने हेड को मूवमेंट करेंगे, उस सारी चीजों को क्या करता है, ट्रैक करने का काम करता है हेडसेट एक्सपीरियंस। मतलब ये जो हेडसेट्स आप पहनेंगे उससे आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद आ गया इमर्सिव ऑडियो। इमर्सिव ऑडियो के अंदर क्या होता है कि इसके VRs के अंदर आपको 3D ऑडियो देखने को मिल जाती है। 3D ऑडियो का मतलब कि जैसे आप रियल वर्ल्ड में आपको अगर कोई आवाज लगाता है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है आपको ये समझ में आता है। तो उसी तरह से इमर्सिव एक्सपीरियंस जब आप वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे, मतलब कि जब आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करेंगे, तो जब आप VR सेट्स को पहनेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि जो सेंस होगा, सेंस ऑफ प्रेजेंस बाय द मेकिंग साउंड सीम्स, ठीक है, जो साउंड्स के सीम होंगे ऐसा लगेगा किसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, जैसे कह रहा है कि कम्स फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड। जस्ट लाइक कि जिस तरह से रियल लाइफ में आवाज आती है किसी डायरेक्शन से, उसी तरह से क्या होगा कि आपको वहां पे वर्चुअल रियलिटी पहनने के बाद, VR सेट्स पहनने के बाद भी आपको फील होगा, यानी जिस समय आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मोशन कंट्रोलर। मोशन कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि आपके हाथ में, पैर में, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, कुछ कंट्रोलर से लगा दिए जाते हैं। कंट्रोलर्स मतलब मोशन, जो आपके सारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि मोशन कंट्रोलर होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं और आप जिस तरह से परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, उसी तरह से आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी गेस्चर होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले, वर्चुअल रियलिटी का यूज गेमिंग के अंदर किया जाता है। गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया, कह सकते हैं कि VR क्या है कि एक तरह का ऐसा गेमिंग हेडसेट्स है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, गेम को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, या कह सकते हैं ट्रूली इमर्सिव एंड द इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। प्लेयर कैन एक्सप्लोर द वर्चुअल वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। जैसे क्या कर सकते हैं, अगर आपकी हम बात करें कि अगर आप BGMI को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, BGMI को प्ले कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं कि VR सेट्स को पहन रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आप उसके अंदर जो भी चीजें होंगी, आप अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्शन खो देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी, थिंकिंग प्रोसेस होगी और फीलिंग प्रोसेस होगी, ये तीनों प्रोसेस क्या करती है कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होगी, यानी BGMI मैप के अंदर होगी। आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके अंदर, उस सारी चीजें आप वर्चुअल वर्ल्ड से क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, सारी चीजें वहां पे एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसके जरिए पॉसिबल है, वर्चुअल रियलिटी। एजुकेशन की बात कर ले, तो एजुकेशन के अंदर भी VR की बहुत ज्यादा यूज होता है। एजुकेशनल पर्पस अलाउ करता है स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं हिस्टोरिकल साइट्स के अंदर, ट्रेवल कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर ह्यूमन बॉडी इन द 3D, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी ह्यूमन बॉडी को भी 3D के रूप में। जैसे अगर बात कर ले, कुछ ऐसे प्लेस है जहां पे आप विजिट नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन के पर्पस से क्या कर सकते हैं, VR हेडसेट्स के जरिए वहां पे प्रेजेंस हो सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर के अंदर बात करें, तो हेल्थ केयर में मेडिकल ट्रेनिंग, थेरेपी और भी बहुत सारे पैड मैनेजमेंट होते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूरी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेवल की बात कर ले, तो अगर आप किसी प्लेस पे घूमना चाहते हैं और आपके पास बजट की कमी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल टूरिज्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली वर्ल्ड वाइल्ड को घूम सकते हैं कंफर्ट की तरीके से, अपने घर के अंदर बैठ के पूरी दुनिया को आप घूम सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस। हमने पढ़ा कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, क्या टाइप्स है, कैसे काम करता है, एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात किया। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें AR, जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है वो 75% रियल होता है, ठीक है, और 25% वर्चुअल होता है। मतलब कि आप तो वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, ठीक है, आप रियल दुनिया में रहते हैं और बाकी जो चीजें वर्चुअल कंटेंट आता है वो आपके रियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करता है या ओवरले करके आता है। और VR के अंदर क्या होता है कि जस्ट उल्टा होता है कि 75% वर्चुअल होता है और 25% रियल होता है, ठीक है। अब बात कर ले AR के अंदर हेडसेट नो रिक्वायरमेंट, मतलब हेडसेट्स अगर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। VR के अंदर इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला, तो हम कह सकते हैं VR हेडसेट डिवाइस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगली पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है पार्शियली इमर्सिव एक्सपीरियंस टू द यूजर्स,
एआर के अंदर क्या होता है, पार्शली इमर्सिव होता है और इसके अंदर फुली इमर्सिव होता है। फुली और पार्शली इमर्सिव का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वीआर के अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वहां पे 75% रियल होता है, 25% वर्चुअल होता है। तो आप क्या करेंगे, आपका कुछ ही भाग क्या होगा जो कि प्रेजेंट होगा वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इट इज जनरली यूज्ड टू एनहेंस बोथ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। इससे क्या कर सकते हैं, आप दोनों वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप क्या करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को ही एक्सप्लोर कर पाते हैं या एक्सपीरियंस कर पाते हैं, फ्रिक्शनल रियलिटी को ही इन गेम के अंदर फ्रिक्शनल रियलिटी को ही आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आगे अगर हम बात करें, द एंड यूजर इज स्टिल इन द टच विद द रियल वर्ल्ड दे व्हेन दे इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। क्या करता है कि जब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को टच करता है तो मतलब एक तरह से क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर ही इंटरेक्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल वीआर के अंदर क्या होता है, जनरली आइसोलेट होता है, ठीक है, फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। यूजर्स क्या होता है कि आइसोलेट होता है, मतलब यहाँ चेयर पे तो बैठा होगा लेकिन अंदर जो टास्क परफॉर्म करेगा वो कहाँ पे परफॉर्म करता है कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर करता है, फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर। अब बात कर ले तो यार क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, वीआर क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। आगे बात करें, सुटेबल फॉर यूजर्स विद अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको कम जानकारी है फिर भी आप तब एआर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी के मामले में कम नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं कि वीआर का कम से कम यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप वीआर की उतनी ज्यादा सब सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि यार वीआर क्या होता है, इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी को या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।